गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने हमारे अध्याय 5 में परोपकार से फलों में पढ़ा कि किस तरह एक बालक अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए स्कूल जाने से पहले घर घर जाता और दैनिक उपयोगी वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि जाकर बेचता। एक रात को उसने कुछ भी नहीं खाया, इस कारण से उसको चलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह भूखा था। वह एक घर में जाकर डोरबेल बजाता है इस आशा से कि वह कुछ मांगकर खा लेगा, परंतु एक बालिका को देखकर वह शर्म के मारे लज्जा के कारण कुछ मांग नहीं पाता है और केवल एक गिलास पानी मांगता है। परंतु बालिका बड़ी समझदार थी, बुद्धिमती थी। वह उस लड़के के चेहरे को देखकर ये पहचान जाती है कि ये समझ जाती है कि वह भूखा है, इसलिए उसके बिना कहे उसके लिए दूध और ब्रेड लाकर उसे दे देती है। वो बालक भी उसे देखकर चुपचाप मौन करके उस दूध और ब्रेड को खा लेता है। खाने के बाद उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि मेरे बैग में से जो वस्तु तुम चाहती हो इच्छा अनुसार ले लो। परंतु वह बालिका कहती है, उसको उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वह कहती कि मेरी मम्मी ने अर्थात मेरी माता ने मुझे कह रखा है कि उपकार के बदले अर्थात किसी के साथ तुम अच्छा करो तो उस अच्छा करने के बाद उस व्यक्ति से कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहिए। इसलिए वह बालिका भी उस बालक को अपनी माँ की वह बात समझाते हुए मना कर देती है कि उपकार के बदले कुछ नहीं लेना चाहिए। कितने अच्छे संस्कार थे, हमें उसे हमें याद रखना चाहिए। एक नेकी कर कुएं में डाल, अर्थात अच्छा करने के बाद हमें उस व्यक्ति के साथ हमने अच्छा किया ये हमें भूल जाना चाहिए। उसे बार बार ये गिनाना, ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया था, तू भी मेरे साथ अच्छा कर। क्यों? क्योंकि जो हम काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसका फल ईश्वर हमें स्वयं देता है और बुरे कार्य का भी। इसलिए अच्छा करने के बाद हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति से ये आशा नहीं करना चाहिए कि वह भी मेरे साथ अच्छा करेगा। इसी बात को समझाते हुए हम आगे पढ़ते हैं, अध्ययनम कृत्वा, अध्ययन करके सेव बालक है डॉक्टर हार्वर्ड नामक है चिकित्सक अभवत। अध्ययन करने के बाद वही बालक डॉक्टर हार्वर्ड नामक चिकित्सक यानी डॉक्टर हुआ, अर्थात वह बालक अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन से पढ़ाई करते हुए डॉक्टर हार्वर्ड नामक डॉक्टर बना, चिकित्सक बना, वैद्य बना। सोचिए आप, जो बालक रोजाना वस्तुओं को बेचता और उस वस्तुओं से अपना खर्च चलाता, वह परिश्रम करते हुए किस ऊंचाइयों पर पहुंचा। इस प्रकार सोचिए आप कि मेहनत परिश्रम करके वह बालक कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। बहुत से बार हमें सुविधा मिलने के बाद भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उसका कारण होता है हमारे अंदर मेहनत या लगन करने की क्षमता नहीं होती है, आलस्य हमारे भाव में आ जाता है। परंतु उस बालक ने परिश्रम किया, मेहनत की, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़ा हो, और अंत में वह डॉक्टर बनता है। निरंतरम इस प्रकार गतानी बहुनी वर्षानी अनेक वर्षों के गतानी यानी बीतने के बाद, चले जाने के बाद डॉक्टर हार्वर्ड के चिकित्सालय में नेत्राम अवस्था अर्थात पूर्ण रूप से अस्वस्थ कांचित कोई आनिता लाई गई, अर्थात कोई बीमार महिला डॉक्टर हार्वर्ड के चिकित्सालय में पूर्ण रूप से अस्वस्थ अवस्था में लाई गई, हम बेहोशी अवस्था भी कह सकते हैं। सहायिका वैद्य ताम परीक्षे डॉक्टर हार्वर्डम अवदन, सहायक वैद्य अर्थात सहायक जो चिकित्सक थे, वैद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर, उन्होंने ताम उसका परीक्षे जांच करके डॉक्टर हार्वर्ड से बोले, ऐसा आपात स्थितो अस्ति, यह अत्यंत संकटकालीन स्थिति, आपातकालीन जिसे बोलते हैं, संकटकालीन या इमरजेंसी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ये बहुत ही इमरजेंसी अवस्था है या संकटकालीन अवस्था में है। अचिरात बिना देर किए शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करना चाहिए, अर्थात बिना देर किए हमें इसका ऑपरेशन करना चाहिए या शल्य चिकित्सा करना चाहिए। डॉक्टर हार्वर्ड तस्या मुखम स्वीकृतम निर्मेशम अपश्यत है, डॉक्टर हार्वर्ड उसकी मुख को स्वीकृतम यानी एक बार
निर्मेषम, अतः निर्मेषम का तात्पर्य होता है कि बिना पलक झपकाए बड़े ध्यान पूर्वक अपश्यत देखा। सह क्षण मात्र वह कुछ पल में ही अवगतान ये जान गए यत् कि पूर्वम कदाचितम मह्यम क्षीरम ब्रेडम च दत्तवती बालिका एवं इयम अस्ति, कि पूर्व में कभी मुझे दूध और ब्रेड दद्वती देने वाली बालिका अयम अस्ति यही है। अर्थात उस बालिका को इतने वर्षों के बाद भी देखने पर वह उसे पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वह हमेशा आपको याद रखता है। जिस प्रकार अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो आजीवन हम उसको भुला नहीं पाते हैं, वैसे ही जो हमारे साथ अच्छा करता है, भलाई करता है, उस व्यक्ति को भी हम आसानी से भुला नहीं पाते। इसी कारण डॉक्टर हवन ने उस बालिका का चेहरा बड़े ध्यानपूर्वक देखते ही वे पहचान गए कि ये तो वही बालिका है जिसने बहुत दिनों पहले मुझे दूध और ब्रेड खाने के लिए दिया था, अर्थात संकटकालीन स्थिति में बिना मेरे कहे मेरी मदद की थी। इस कारण से स वह छटिति जल्दी से शीघ्रता से तस्या शल्य चिकित्सार्थम उसका ऑपरेशन करने के लिए स्वयं खुद ही उद्यत अभवत तैयार हो गए। उद्यत यानी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते थे इस बालिका के साथ कोई दुर्घटना घटे, इसलिए वे स्वयं उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये वही बालिका थी जिन्होंने उनके साथ अच्छा किया था। अब समय डॉक्टर हावर्ड के पास था कि वह भी उस बालिका के साथ अच्छा करे, अर्थात उसके उपकार का बदला, अच्छाई का बदला अच्छाई से ही दे। विशेष सावधान से शल्य चिकित्सा मकर दो, अर्थात विशेष सावधानी से बड़े ध्यानपूर्वक वह शल्य चिकित्सा की, उन्होंने उसकी शल्य चिकित्सा की। अल्पनेव कालेन कुछ समय में ही सा स्वस्था अभवत वह स्वस्थ हो गई। कौन स्वस्थ हो गई? वही बालिका जो डॉक्टर हावर्ड के चिकित्सालय में लाई गई थी। ग्राम प्रति घर की ओर निर्गमनम जाने के समय अपि आगता, अतः घर जाने का समय भी आ गया था। ग्राम प्रति घर की ओर निर्गमनम जाने का समय अपि भी आगत है आ गया। अब वह बालिका स्वस्थ हो चुकी थी, अतः वह स्वस्थ हो चुकी थी, इसलिए मया केतम देयम, अर्थात मुझे कितना देना चाहिए इति भगवान एव जानाति, तो भगवान जानता है क्या देना चाहिए। वह बालिका वह महिला स्वस्थ होने के बाद विचार कर रही है कि मुझे कितना बिल देना है या कितना पैसा इस मेरी जो बीमारी ठीक हुई है, जो मेरा इलाज हुआ है, इसके लिए मुझे इस अस्पताल को देना है, ये तो भगवान एव जानाति, भगवान ही जानता है। इति चिंतेति, ये विचार करते हुए सा वह वैद्यम अवदत, वह डॉक्टर से बोली। क्या बोली? मया केतम देयकम, मया यानी मेरे द्वारा कहत यानी कितना देयम यानी देना है या मैं कितना दूं। देयकम देताम, देयकम यानी बिल, देताम यानी दे दीजिए, कि मुझे मेरे द्वारा कितना देना है मुझे बिल दे दीजिए। अर्थात वह उसे पता है कि अब स्वस्थ हो चुकी है तो उसका जो इलाज हुआ, जो खर्चा हुआ, उसका बिल तो देना ही पड़ेगा, इसलिए वह विचार करती है कितना देना है ये तो भगवान जानता है। इसके बाद वह डॉक्टर से बोली कि मया केतम देयम, मैं केत यानी कितना, देयम यानी दूं, देयकम बिल, देयताम दे दीजिए, अर्थात मेरा जो बिल है वो मुझे दे दीजिए कि मुझे कितना देना है। परंतु वैद्य वह डॉक्टर मंद हास पूर्वकम धीरे हंसता हुआ, अर्थात मंद मंद या धीरे धीरे मुस्कुराते हुए एक पत्रम, एक पत्र तस्य हस्ते उसके हाथ में स्थापितवान, अर्थात उसके हाथ में रख दिया, उसके हाथ पर रख दिया, स्थापित कर देना यानी रख देना। तत्र वहाँ लिखितम आसीत, वहाँ लिखा हुआ था, कहाँ? उस पत्र में जो पत्र डॉक्टर ने दिया उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था चषकम यानी गिलास, चषक बोलते हैं गिलास को, सीरम ब्रेडम च, अर्थात चषकमितम एक गिलास, सीरम दूध और च यानी और ब्रेड, अर्थात उस महिला का जो इलाज हुआ, जो ऑपरेशन किया गया, उसका संपूर्ण खर्चा आया था एक गिलास दूध और ब्रेड। ऐसा उस डॉक्टर ने क्यों लिखा? ताकि उस बालिका का जो महिला है उसे ये याद हो जाए, उसको स्मरण हो जाए कि उसके जो उपकार का कार्य उसने किया था उसी का फल
अब उसे इस रूप में मिला है और उसे कोई भी बिल नहीं देना है। मैंने कहा था जैसा आप प्राणियों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही आपके साथ वह दूसरा सामने वाला व्यवहार करता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो वह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो सकता है वह भी आपके साथ बुरा ही करे। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा एक समझदारी का कार्य करना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ हमें बुरा कार्य नहीं करना है, चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे, क्यों जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसलिए सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, हम देखिए परोपकार की भावना इस प्रकृति में विद्यमान है। प्रकृति भी परोपकार करती है लेकिन बदले में कुछ हमसे नहीं लेती। जैसे भवन्ति नम्रा तर्व फलोद्गमे, फलोद्गमे यानी फल आने पर, तर्व पेड़ भी नम्र विनम्र भवन्ति हो जाते हैं। अतः फल आने पर पेड़ भी नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कैसे, मान लीजिए डालियों को फल लटक जाता है, फल आ जाता है, उस फल के बोझ से वे पेड़ नीचे झुक जाते हैं। अर्थात वे ये चाहते हैं कि इन फलों को दूसरे ग्रहण करें, इसलिए उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि फल आने पर पेड़ भी झुक जाते हैं। घना बादल भी अम्बुम बुरी विलंबनो, अर्थात जल भरने पर बादल भी झुक जाते हैं, अर्थात पानी से भरे हुए बादल भी झुक जाते हैं। जब बारिश के समय देखिए जो काले काले बादल होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है वह हमारे पृथ्वी के बहुत नीचे आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति भी हमेशा परोपकार करने के लिए विनम्र रहती है, नम्र रहती है। इसलिए कहा गया है अनुदता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकार न है। सत्पुरुषा अर्थात सज्जन लोगों को समृद्धि मिलने पर, सफलता मिलने पर वे भी नम्र हो जाते हैं, वे भी सामने के आगे झुक जाते हैं। इसलिए कहा गया है सज्जन हमेशा नम्र होते हैं, सज्जन हमेशा परोपकार करने वाले होते हैं, अर्थात वह किसी भी वस्तु का अहंकार घमंड नहीं करते हैं। इसलिए कहा गया है कि सज्जनों को जब समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है तो वह भी नम्र हो जाते हैं। इस प्रकार यही स्वभाव होता है परोपकारिणा, अर्थात परोपकारी करने वाले व्यक्तियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वे हमेशा नम्र रहते हैं, विनम्र रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। इस अध्याय की आपको हिंदी अर्थ की पीडीएफ कल मिल जाएगी। हो सकता है जब हम इसकी डाउट क्लास लेंगे तो आपको जो भी समझ नहीं आए उस वक्त आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।